लाइट नहीं आ रही, टाइम पर टीवी आवे है, पीछे आवे एक घंटा है कि दो घंटे है, बीच में फिर कट मार जाए, और रात का तो कोई मतलब है नहीं। अरे आप देखने नहीं आओगे तो रोड जाम क्यों क्या कराने वाले, बता दो क्यों दे, अरे मारे 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 जाए दोगे भी जमा रोड जाम क्या नारा बैठा है क्या तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये ग्रामीण गोहाना के गांव बुटाना के हैं। बिजली की समस्या के चलते ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ग्रामीणों के साथ महिलाओं का गुस्सा भी सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ फूट पड़ा। ग्रामीणों के इस गुस्से का शिकार कांग्रेस के विधायक को भी होना पड़ा। बरौदा के स्थानीय विधायक इंदु नरवाल, गोहाना जगबीर नरवाल, झज्जर से गीता भुक्कल इस जाम में फंस गए। जाम लगने पर कांग्रेस विधायकों ने बिजली विभाग के एक्शन को मौके पर बुलाया और समस्या का हल करने का आश्वासन दिया। क्या है पूरा मामला ये ग्रामीणों से जानिए। चार दिन हो गया, कती एक टीम लहा है तो कूलर फ्रिज सब एक जने एक जना बता दो कितनी दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है नु बालक बच्चे नु मैं बताऊं जी आप पूरी बात बताए। लाइट नहीं आ रही, टाइम पर टीवी आवे है, पीछे आवे एक घंटा है कि दो घंटे है, बीच में फिर कट मार जाए, रात का तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा आगी छुप गई आगी गई, कितनी दिक्कत हो रही लाइट लाने से। करे कितने दिन हो गए जी दिक्कत हो रही ना, तो कई दिन तो आज क्या किया आपने? बंद कर रखा है जी। जाम कर दिया भाई हमने तो आज। जाम लगा दिया। कब खोल लोगे? भाई आपके आगे दोनों विधायक आ रहे हैं। एक खास पर मोर धरना चाहिए। एक खास पर बिजली वाले ने जो जवाब दिया मारा नहीं ना काका जाओ उड़े जाओ पूरा समाधान होगा तारा समाधान होगा थारा। बिजली वाले हमने जो जवाब दिया उड़ा जाओ तो मारा गाल दे हमने मारा समाधान की दे होक नहीं होवे। चार दिन हो गए और कंप्लेंट भी लिखवा के देने तो तनु को दे कंप्लेंट नहीं लिखवा रहा जो भी लिखवा दिया हमने इवन को मारा मारी ड्यूटी नहीं है। एक फोन करे तो उन्हें को मन दिखता है ना। ओड गांव में चार बंदे चाहिए लाइट से मारने वाले, एक बंदा ओड गांव में, एक बंदा खेता की से मारे गांव की लाइट से मारे। वो अभियान तो अभी कर रखा है। चार बंदे चाहिए आड़े इस गांव में। वो नहीं दिखता विधायक जी, लाइट को नहीं जाम लगा रखा, क्या आश्वासन दे रहे हो बताओ एक बार। विधायक जी आपके इलाके में लाइट नहीं है, अब जाम लगा रखा, ग्रामीणों ने क्या आश्वासन दे रहे हैं इनको? एक्शन बुलाया है, सामने एक्शन बुला के इनका जो समाधान करवाया है बुला लिया। कई दिन से समस्या है, बड़ी गाल से एक ठस बार मोर चाहिए। आप देखने नहीं आओगे तो रोड जाम क्यों क्या कराने वाले, बता दो क्यों दे, अरे मारे मारे मर तो कोई कह दोगे भी जमा रोड जाम क्या नारा बैठा है क्या नारा नारा क्या मर दो तो किसे दे पांच बजे लाइट हो जाए मतलब कौन सा है ना माशाल्लाह में पांच पांच बजे लाइट सुबह यहाँ तो बोल दे कर्मचारी नहीं सुबह जाम लगा दिया इसलिए अधिकारी का ये काम आप बात ही करेंगे दावे जो है खोखले हैं। बिजली की समस्या सब जगह है, यहाँ पर आज जो जाम लगा हुआ है ट्रांसफार्मर मान लीजिए ओवरलोडेड है, इनको पता होना चाहिए। और इतना शेड्यूल जो दे रखा है बिजली का, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एग्जाम से वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे, अब देखिए इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार बिल्कुल भी बिजली देने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। मैम काम क्या बता रहे थे आप जिसके जो बीच में रोका गया? हमारा तो यहाँ पर बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ हमारे दनाना बसवाड़ा कई तरह छपरा हमारे कई गांव ऐसे थे जिनमें पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और चुनाव के दौरान हमने ये कहा था कि हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा, तो आज हमारी पिटीशन कमेटी हरियाणा विधानसभा की जो उसकी सब कमेटी है उसकी एक विजिट है, उसमें इरिगेशन विभाग के सभी अधिकारी हैं, हम लोग विधायक साथी हैं। तो रास्ते में जाम में फंस गए आप भी? नहीं कोई बात नहीं, जाम क्या है, ये समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। ठीक है एक्शन साहब, क्या परेशानी आ रही है? चार दिन से लाइट नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं थोड़ा नीचा करिए सर, नीचा ओवरलोड है, उसके फ्यूज उड़ जाते हैं और सप्लाई डिस्टर्ब रहती है। मैंने इनको कहा भाई मेरे को बता देना चाहिए था, मैं आपको सर चार दिन से लाइट नहीं आ रही, 15 लाख ना आपकी बदली होंगी ना
15 मतन उड़े क्यों सर, 4 एक साल हो गया मैंने यहां 4 दिन से लाइट नहीं आ रही सर, रुक जाओ एक मिनट, 1 साल सर, अरे 20 तारीख ने आदम सर थोड़ा सा बत्ती होली तारीख सर, अरे एक मिनट, कितने आपके पास इनकी कोई शिकायत सर, नहीं शिकायत एक नदना ट्रांसफार्म लाए बता दें कि बड़ौदा हल्के के बारिश के कारण जलभराव वाले गांव का दौरा करने आई पिटीशन विभाग सभा हरियाणा की सब कमेटी के कांग्रेस विधायकों व सिंचाई विभाग पंचकुला की टीम भी जाम में फंस गई। बुटाना गांव में ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से गांव में बिजली की समस्या बनी हुई है, अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। आज भी बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण गाँव में बने बिजली घर में आए थे, लेकिन अधिकारियों ने वही रटा रटाया जवाब देकर उनको वापस भेज दिया, जिससे मजबूर होकर ग्रामीणों को जाम लगाना पड़ा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।